फेसबुक एडवर्टीजमेंट्स के अंडर इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एड क्रिएशन, और एड क्रिएशन में भी अवेयरनेस टाइप का एड जो है, ब्रांड अवेयरनेस, वो कैसे बनाना है, राइट। तो सबसे पहले हमें उसके लिए अपना फेसबुक ओपन करना है। इसके बाद हमें जाना है यहाँ पर, ये जो एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक का ऑप्शन है, यहाँ जाने के बाद एड्स मैनेजर एंड गो टू एड्स मैनेजर। यहाँ हम अपने एड मैनेजर में क्लिक करेंगे और ये जो ग्रीन बटन अभी आएगा, क्रिएट का जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हम क्रिएट हमने क्लिक किया। तो हम सबसे पहले अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं। कोर स्ट्रक्चर जो एडवर्टीजमेंट का है वो सबका सेम है। थोड़ा सा पहले यहाँ जो आपका वर्क स्पेस है उसे भी समझ लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जहाँ से आप सारी सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं, ऑडियंस, एड अकाउंट सेटिंग, बिजनेस सेटिंग, इवेंट मैनेजर, बिलिंग, अकाउंट क्वालिटी, बिलिंग, ब्रांड सेफ्टी, बिजनेस सेटिंग, इवेंट मैनेजर, इमेज एंड वीडियो, शॉप लोकेशंस। तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते जाएंगे, राइट। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल एड अकाउंट में एडेड हैं तो वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। अभी सिर्फ एक अकाउंट है तो वो यहाँ पर है, तो यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं, राइट। और ये जो आपको लेफ्ट में ये जो बार दिखाई दे रहा है, ये आपकी प्रोग्रेस दिखाता रहेगा कि आप किस सेक्शन में हैं, ओके। तो सबसे पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद हम ऑडियंस में आ जाएंगे, प्लेसमेंट, बजट एंड शेड्यूल। तो ऑडियंस का फॉर एग्जाम्पल जो तरीका है, वो सारे एड, आप किसी भी तरह का एड चलाएं, ऑडियंस चूज करने का तरीका एक है, प्लेसमेंट चूज करने का तरीका एक है, बजट एंड शेड्यूल का तरीका एक है। फॉर्मेट, मीडिया, एडिशनल क्रिएटिव, ये चेंज हो जाएगा जैसे आप एड चलाएंगे उसके हिसाब से, हर बार नहीं बट कई बार, ओके। अलग अलग एड में कुछ और स्टेप्स भी एड हो जाते हैं। फिलहाल हम ये लेफ्ट में आपने पैनल देख लिया, यहाँ राइट में आपका ये वर्क स्पेस है जहाँ पर आप काम करेंगे। इसके अलावा यहाँ से भी कुछ ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनल अकाउंट वापस एक्सेस करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, गो टू पर्सनल, न्यूज फीड, अकाउंट खुल जाएगा। नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, मान लेते हैं आपका ऐड अप्रूव हो गया, डिसअप्रूव हो गया, ऐड रन हो गया, तो वो यहाँ पर दिखाई देगा। ये सेटिंग्स का बटन है जहाँ से आप सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए हम सेटिंग्स में आ गए, वापस जाते हैं। और कोई आपको क्वेश्चन है, हेल्प चाहिए, तो उसके लिए ये आपके पास बटन है, राइट। और यहाँ पर क्रिएट न्यू कैंपेन के अंडर हमें यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन, अगर आपकी ऑलरेडी कोई कैंपेन बनी हुई है तो आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी हम क्रिएट न्यू कैंपेन को यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस, तो ब्रांड अवेयरनेस पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज, कैंपेन का नाम देना है आपने, तो कैंपेन का नाम ब्रांड अवेयरनेस टेस्ट 1 ये हमने दे दिया। अभी इन ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करने वाले, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू कर देते हैं। एड सेट का नाम देना है, तो कैंपेन के अंदर आप अलग अलग एड सेट बना सकते हैं। एड सेट का नाम भी लेट्स से अभी हमने एग्जांपल के लिए दे दिया टेस्ट 1। अब नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में कि ऑब्जेक्टिव पे हमारा टिक आ गया कि ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, अगला ऑप्शन है ऑडियंस का। तो हमें ऑडियंस चूज करनी है, फिर प्लेसमेंट, बजट एंड शेड्यूल। ऑडियंस में यहाँ पर आपको दो तरह के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस। तो अभी हम सबसे पहले क्रिएट न्यू ऑडियंस, अगर आप किसी भी ऑडियंस को क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आप उसे सेव भी कर सकते हैं, फिर आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे यूज सेव्ड ऑडियंस में जाकर। तो अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, राइट। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और दिखाई दे रहा है कस्टम ऑडियंस का। तो कस्टम ऑडियंस बेसिकली आर ऑडियंस जो कि कस्टमाइज्ड हैं, जैसे कि वो लोग जो आपकी ईमेल लिस्ट में हैं, या जिन्होंने आपका ऐड देखा है, या जिन्होंने आपकी साइट पे शॉपिंग की है, या जो आपका पेज लाइक करते हैं, या फिर जो आपका पेज विजिट करते हैं, या जिन्होंने आपका वीडियो देखा है। तो अलग अलग तरह की, बहुत सारी तरह की कस्टम ऑडियंस है जिसको हम आगे सीखेंगे। अभी हम बेसिक एक ऐड बनाना सीख रहे हैं। तो क्रिएट न्यू ऑडियंस, यहाँ पर जो कोर ऑप्शंस हैं वो ये तीन आपको दिए गए हैं, लोकेशन, एज एंड जेंडर। तो लोकेशन आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप सिटी का नाम भी टाइप कर सकते हैं, जैसे न्यू दिल्ली टाइप किया हमने तो ये न्यू दिल्ली आ गया। उसके बाद लेट्स से आई वांट टू शो इट टू फरीदाबाद में भी दिखाई दे, तो फरीदाबाद हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं ये चाहता हूँ, साथ के साथ ये रेडियस भी आपको दिख रही होगी जिसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं,
कि फरीदाबाद के 40 किलोमीटर में दिखाई दे या 17 किलोमीटर में दिखाई दे, 17 मिनिमम है और 80 मैक्सिमम है, राइट। तो ये भी है। इसके अलावा मैं दिखाई लेट्स से इस एड को डिस्प्ले करना चाहता हूँ इंदौर में, तो ये हमने इंदौर मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट 40 किलोमीटर आ गया। कम करना चाहते हैं आप कम कर सकते हैं। जैसे जैसे आप अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे वैसे वैसे राइट में यहाँ पर एक रफ पोटेंशियल रीच, एक एस्टिमेटेड साइज आपकी ऑडियंस का दिखता रहेगा। जैसे अभी ये तीन जगह हमने सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पर इतने लोग आपको ये दिखाई दे रहे हैं, राइट। 66 लाख लोग ये ऐड देख सकते हैं और एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट ये है कि एक दिन में लगभग 2.6K यानी कि 2600 से 7500 लोगों को एवरेज ये ऐड दिखाई देगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये तो अभी फिलहाल आपके मतलब एक एस्टिमेट है, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका ऐड कैसा है, आपने किस तरीके से उसमें ग्राफिक बनाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आइडिया लेने के लिए आप समझ गए होंगे कि लोकेशन इस तरह से आपने चूज़ करनी है। आप सिटी चूज़ कर सकते हैं, कंट्री चूज़ कर सकते हैं, स्टेट चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेडियस में लोगों को दिखाना चाहते हैं, मान लेते हैं आपका होटल का बिजनेस है, एयरपोर्ट के पास आपका होटल है और आप सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो आसपास है यानी एयरपोर्ट पर है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको जूम करते चले जाएंगे। आप अपने माउस पैड पर 2 फिंगर से भी जूम कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर जो प्लस साइन है इससे भी जूम कर सकते हैं। जूम करिए, होल्ड करके ड्रैग करिए मैप को, जूम करिए होल्ड करके ड्रैग करिए और जहां पर भी आप लोकेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको ये पिन ड्रॉप करनी है, इसको उठाकर सिर्फ पकड़ना है और ड्रॉप कर देना है, राइट। तो अब एक बार देखते हैं और जूम करते हैं और मान लेते हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन है, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा है इसको हम टारगेट करते हैं, तो इसको हमने पकड़ा और ड्रॉप कर दिया। दिस लोकेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर टारगेटिंग, वेट अ मिनट, फिर से करते हैं इसको। लेट्स से हम कनाट प्लेस लेते हैं, ये हमारा कनाट प्लेस है और जूम किया कनाट प्लेस, पिन को पकड़ा, ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इसमें क्या है, इसमें आप 1 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको 1 किलोमीटर की रेडियस में दिखाना है या आपको 80 किलोमीटर की रेडियस में दिखाना है। तो 80 किलोमीटर की रेडियस एग्जाम्पल के लिए मैं सेलेक्ट कर दिए। तो ये हो गया लोकेशन से आप कैसे टारगेट करेंगे। नेक्स्ट एज, एज के हिसाब से आप एडिट पे जाइए, आप सेलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए अगर आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि ओल्ड एज हैं, 40 से ऊपर वाले हैं या फिर या 45 से ऊपर वाले हैं, 50 से ऊपर वाले हैं या 18 से 30 के बीच में है, तो आपको सिंपली यहाँ 18 सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लेट्स से ये 30 सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जेंडर, आप किस तरह का ऐड दिखाना चाहते हैं, सिर्फ लेट्स से मेन रिलेटेड प्रोडक्ट है, मेन को दिखाना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, विमेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कोर ऑडियंस क्रिएट करने का तरीका था। इसके अलावा एक डिटेल टारगेटिंग है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट इससे आपको आइडिया लग गया कि कोर ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है बेस्ड ऑन लोकेशन, एज एंड जेंडर, राइट। इसके बाद आप चाहें तो इस ऑडियंस को सेव भी कर सकते हैं। शो मोर ऑप्शन में जाएंगे आप तो यहाँ से आप लोकेशन और कनेक्शंस भी चूज कर सकते हैं। लोकेशन में आप लैंग्वेज एंड कनेक्शन, तो लैंग्वेज में आप जो भी लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, लेट्स से हिंदी, तो हिंदी वालों को दिखाई देगा, इंग्लिश, इंग्लिश वालों को दिखाई देगा, उर्दू, उर्दू वालों को दिखाई देगा, तो वो आप चूज कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारा ऐड दिखाई देगा लगभग 1,60,00,000 लोगों को, ये हमारी ऑडियंस है। और हम अगर लैंग्वेज हटा देते हैं तो ये साइज देखते हैं क्या उतना ही है या चेंज होता है। तो ये अभी लोड हो रहा है। कनेक्शंस में देखें, एडिट में जाएंगे तो ऐड अ कनेक्शन टाइप, यहाँ पर अपनी ऑडियंस को आप चूज कर सकते हैं कि भाई जो आपका पेज लाइक करते हैं या जो लोग आपका पेज लाइक करते हैं उनके फ्रेंड्स को आप दिखाना चाहते हैं या
आप जो ऑलरेडी लाइक करते हैं उनको नहीं दिखाना चाहते हैं, या जिन्होंने आपकी ऐप यूज़ की है, या उनके फ्रेंड जिन्होंने आपकी ऐप यूज़ की है, या आपकी इवेंट को जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, तो इस तरह से आप, या एडवांस कॉम्बिनेशन में भी आप जा सकते हैं कि किस पेज से पीपल हु आर कनेक्टेड टू अ पेज, पीपल हु आर कनेक्टेड टू ब्ला, तो इस तरीके से भी आप चूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि है क्या हम दूसरे पेजेस टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पेज टारगेट करने का ऑप्शन अभी नहीं है, बट अपना पेज हम टारगेट कर सकते हैं, राइट। तो ये एडवांस कॉम्बिनेशन में आप जा सकते हैं। तो लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कनेक्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको हाइड ऑप्शंस कर देते हैं। सेव दिस ऑडियंस में जाकर आप इसे सेव कर देंगे, नाम दे देंगे इस ऑडियंस का। नेक्स्ट है आपका प्लेसमेंट। अभी ऑडियंस हमारा हो गया, प्लेसमेंट पे हम आ जाते हैं। तो प्लेसमेंट का मतलब है कि आपका जो एड है वो फेसबुक पर कहाँ कहाँ दिखाई देगा, राइट। तो जैसे फेसबुक में एड आपको न्यूज़ फीड में दिखाई देता है, मैसेंजर में दिखाई देता है, स्टोरीज में दिखाई देता है, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट अगर आप रहने देते हैं, ये रिकमेंडेड तरीका है इनका जिन्होंने रिकमेंड किया है, तो हर जगह दिखाई देगा। मैनुअल प्लेसमेंट में आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैनुअल प्लेसमेंट में जब आप क्लिक करेंगे तो आप डिसाइड कर सकते हैं आपको इंस्टाग्राम पर ऐड दिखाना है या नहीं, या मान लेते हैं फेसबुक पर ही नहीं दिखाना, सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखाना है, या मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क में किसी में नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखाना है। तो आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर हमने सारा सेलेक्ट किया हुआ है कि ऑडियंस नेटवर्क यानी जो फेसबुक की पार्टनर साइट है उन पर भी दिखाई दे। इसके बाद लोकेशन कि भी अगर फेसबुक पर है तो क्या उसकी फीड में दिखाई दे, फेसबुक न्यूज़ फीड में, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड में, मार्केट प्लेस में, और साथ के साथ राइट में आपको दिख भी रहा है कि किस तरह का ऐड आपको, आपका जो ऐड है वो दिखाई देगा अलग अलग जगह पर। तो जैसे आप मान लीजिए आपने स्टोरीज में आप आ गए और स्टोरीज में इस तरह का दिखाई देगा, तो आपने इसको हटा दिया, अब आपका ऐड स्टोरीज में नहीं दिखाई देगा। तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिफरेंट यहाँ पर जो राइट साइड में आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। रिकमेंडेशन है कभी भी फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं दिखाना चाहते अलग बात है, बट न्यूज़ फीड को हमेशा रहने दीजिए, क्योंकि लोग फेसबुक पर स्क्रॉल करते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और न्यूज़ फीड में आपका ऐड तभी दिखाई देगा। ऑल राइट, तो ये हो गया प्लेसमेंट। नेक्स्ट है इसका बजट एंड शेड्यूल। तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि इसका डेली बजट क्या होगा या लाइफ टाइम बजट क्या होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, डेली बजट जैसे आपने 200 रखा, डेली बजट में आप अपने ऐड को शेड्यूल नहीं कर सकते। जब आप शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट नहीं कर सकते इसको। लेकिन लाइफ टाइम बजट में क्या है, जैसे मान लीजिए लाइफ टाइम बजट रखा और इसको हमने 14,000 हो गया ऑटोमेटिकली, और इसको हमने स्टार्ट डेट रीसेट योर स्टार्ट डेट, और यहाँ हम चले गए एड्स ऑल द टाइम। तो अब हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे अपना ऐड एक पर्टिकुलर शेड्यूल पे दिखाना है, कि भाई मंडे को इतने बजे से इतने बजे दिखाई दे, या वेंसडे को इतने बजे दिखाई दे, ट्यूसडे को ना दिखाई दे लेट्स से, या सैटरडे संडे ही दिखाई दे। तो आप शेड्यूल के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि ऐड आपने कब अपना चलाना है। ओके, तो ये लेकिन आपको फीचर मिलता है लाइफ टाइम बजट के साथ। लाइफ टाइम बजट का मतलब ये है कि आप कितने दिन अपना ऐड चलाएंगे उसके हिसाब से आप कॉस्ट डिटरमाइन कर लीजिए। एग्जांपल के लिए 200 रुपये पर डे से आप चलाते हैं 10 दिन के लिए, तो 2,000 रुपये आपका लाइफ टाइम बजट हो गया। तो लाइफ टाइम बजट डे और डेली बजट आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर देंगे कॉन्टिन्यू पर। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है आपके ऐड का ग्राफिक, कि उसको आपने कैसे क्रिएट करना है, जिसको कि हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ऑल राइट।